एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल कॉर्नर। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल वेडिंग ड्रेस मेकअप लुक। तो ये लुक मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। अगर आप कहीं वेडिंग में जा रहे हो या रिसेप्शन में जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, तो ये लुक आपके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। कोई भी नाइट पार्टी में जा रहे हो तो भी ये लुक बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप देखना चाहते हो मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया, तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, ताकि मेरा फेस हाइड्रेट रहे। और मैं यहाँ पर बातें कर रही थी मेरी सिस्टर से, तो मॉइस्चराइज़र को अच्छे से अपने फेस के ऊपर ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर, जो भी मैंने अपने शॉपिंग हॉल में शेयर किया था। तो ऐसे मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया और अपने हैंड से ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एक ब्यूटीफुल इल्यूमिनेटर है, आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो आ रहा है। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का मेकअप प्राइमर। अपने टी जोन पे फोकस करते हुए अच्छे से इसे मैं अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगी। एंड नेक्स्ट मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे आईटेक्स डैसलर का फाउंडेशन। मेरा शेड है नेचुरल, सो इसे मैं अपने फिंगर की हेल्प से अपने पूरे फेस पे और नेक पे अप्लाई करके एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी। सो फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का लूज पाउडर। एंड नेक्स्ट मैं कंसीलर के जगह यूज़ कर रही हूँ NYV का कंसीलर। अपने आईलिड पे और हाइलाइटिंग पॉइंट्स जो भी होती है उनके यहाँ मैं कंसीलर अप्लाई करके अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। भूतनी लग रही हूँ ना, खैर मैं इसे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और इसे मैं सेम लैक्मे की लूज पाउडर की हेल्प से सेट कर दिया है। मैंने पाउडर को ऐसे ही रख दिया ताकि जो भी क्रीज लाइन है, हार्श लाइन ना क्रिएट हो जाए। और मैं यहाँ पे अपने ब्रॉस को फिल कर रही हूँ एक डार्क ब्राउन की शेड लेके। ब्रॉक को फिल करने के बाद एक स्पूली की हेल्प से मैं इसे कॉम कर रही हूँ ताकि जो भी एक्सेस है रिमूव हो जाए। एंड जो भी पाउडर मेरे फेस पे है उसे मैं हटा रही हूँ। एंड नेक्स्ट मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज रखने के लिए यहाँ पे लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। सो नेक्स्ट मैं अपने फेस को थोड़ा बहुत कॉन्टोर कर रही हूँ एक डार्क ब्राउन कलर के आई शेडो लेके, थोड़ा बहुत मैं अपने नोज को भी कॉन्टोर कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की ब्लश। ये बहुत ब्यूटीफुल पिंक शेड है, दिखने में बहुत डार्क लगेगा पर आपको अप्लाई करने में बहुत लाइट पिगमेंट देगा ये, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड नेक्स्ट मैं आई शेडो पैलेट में से ये वाले डार्क ब्राउन कलर शेड लेके अपने पूरे क्रीज पे प्लेस कर रही हूँ एक बफिंग ब्रश की हेल्प से। इसे मैं अच्छे से डिपॉजिट करूँगी। एंड नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये वाली स्किन कलर एंड येलो अंडरटोन मिक्स कर दिया हुआ कलर, एंड इसको मैं अपनी क्रीज लाइन के ऊपर प्लेस कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये वाली रेड कलर की शेड और इसे मैं फिर से अपने क्रीज लाइन पे प्लेस कर रही हूँ। थोड़ा सा कट क्रीज लुक आया इसलिए। एंड
यहाँ पे मैं ये ब्लैक कलर पिक कर रही हूँ। मैं अपने आउटर वी पे इसे अच्छे से डिपॉजिट करूँगी ताकि जो भी मेरा आई लुक है वो बहुत ब्यूटीफुल लगे। नेक्स्ट मैं पिक कर रही हूँ क्यूमिड आई शेडो पैलेट में से। ये तीनों शेड्स को मिक्स करके अपने पूरे आईलिड पे, सॉरी जो भी मैंने आउटर वी तक प्लेस किया था वहाँ तक अप्लाई कर रही हूँ। अब देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कलर आया है ये। और मैं इसे एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जो भी हार्श लाइन ना लगे। एंड नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये वाली शिमर शेड एंड इसे मैं फिर से वही कलर के ऊपर डिपॉजिट कर रही हूँ। मैंने अपनी फॉल्सी लैशेस अप्लाई कर दिया है और मेरा जो भी नेचुरल लैशेस है और फॉल्स लैशेस है उसको टच करते हुए मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं फॉल्स लैशेस की बैंड को छुपाने के लिए यहाँ पे आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, NYBA की आईलाइनर। एक छोटा सा विंग बना रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ LIT की काजल। मैं एक नॉर्मल सी काजल ड्रॉ करूँगी अपनी थर्ड आई पर। नेक्स्ट मैं अपने आई शेडो पैलेट में से ले रही हूँ ये गोल्डन कलर की शेड एंड इसे मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ अपनी ब्रिज ऑफ द नोज ब्रॉ बोन क्यूपिड बो। जो भी यूजुअल प्लेसेस है मैं वहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। अपने इनर आई लिप पे भी मैं अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं लिप कलर के लिए यहाँ पे चूज़ किया है स्टेक वर्क की मिनी लिपस्टिक्स। इसमें मैं एक ब्यूटीफुल रेड कलर की शेड पिक करके लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कलर है एंड ये लिपस्टिक्स बहुत पिगमेंटेड है, बहुत अच्छे लुक देगा आपके लिप्स के ऊपर। एंड लास्ट में मैं मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मार्स की सेटिंग स्प्रे। एंड गाइस दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप यू गाइस यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकॉन को भी हिट कर देना ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।